अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा, आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20, ठीक है, चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है। पहले हमने चैप्टर नंबर 19 को इख्तिताम किया, उसका एंड किया। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के बाद 20 है, ठीक है, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का सारे का सारा प्रोसेस आता है वो फिज़िक्स की किस ब्रांच में आता है या फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच कहलाती है, उसको पहले हम देख लेते हैं। कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ठीक है इज डील्स विद द फिजिक्स ब्रांच ऑफ विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ज़्यादा सारा हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के मतलब पढ़ेंगे, वो सारे का सारा हम जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, कैसे हम इसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, इसका आगाज करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन है वो, फिर मैं मज़ीद उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक का जो नाम रखा हुआ है, जो दिया हुआ है, जो या तो इंट्रोडक्शन भी आप इसको कह सकते हैं चैप्टर का, या स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ठीक है, या एक और चीज़ आप कह सकते हैं, मिशन स्पेक्ट्रा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मिशन स्पेक्ट्रा भी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने लगा हूँ अपने इस वर्ड पर जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी चूंकि फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसके लिए हमें उसके मतलब डेफिनेशन पर गौर करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन लिखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स branch of physics which deals with the wavelength, which deals with the wavelength and intensities, with the wavelength and intensity of electromagnetic radiations, electromagnetic radiations, ठीक है, which are emitted or absorbed by an atom. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाय एन एटम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थी हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है इधर। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें विच डील्स विद द वेवलेंथ, जो कि डील करती है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ एंड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ, वेवलेंथ के साथ और इंटेंसिटी के साथ डील करती है। किसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ ये डील करती है, विच आर एमिटेड आर अब्सॉर्ब बाय एन एटम। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या तो एटम उसको अब्सॉर्ब करता है या तो एटम उनको एमिट करता है। ठीक है, इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास आती है एटम की वजह से,
उसकी वेवलेंथ या उसकी इंटेंसिटी के साथ जो डील करती है फिजिक्स की ब्रांच, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर से सुने, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच आर इमिटेड आर ऑब्जर्व बाय एन एटम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने के बाद मैंने आपको बाद में बताया था कि जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम क्या कह सकते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रा के ऊपर बात करें तो कहते हैं इमिशन जो स्पेक्ट्रा होता है उसकी तीन ब्रांचेज हैं, तीन उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा की, टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, जो इमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है, अगर हम उसकी टाइप्स की तरफ चलते चलें या टाइप्स की बात करें, तो कहते हैं कि नंबर वन, एक हमारे पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकेंड वन हमारे पास आता है बैंड स्पेक्ट्रम। एंड थर्ड वन हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। तीन ब्रांचेज हैं या तीन टाइप्स हैं एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा की। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच टाइप्स हैं? नंबर वन, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस जैसे कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंटिन्यूस लगातार जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूस होगा, क्या होगा वो बाद में देखते हैं। फिर बैंड कहते हैं छोटे छोटे पैचेस को, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों की शक्ल में आ रहा है आपके पास जो स्पेक्ट्रम जो भी आएगा। फिर थर्ड वन कहते हैं लाइन, कि जो आपके पास मसलन जिधर पहले कंटिन्यूस बैंड था, फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, फिर बैंड हो गया छोटे छोटे हिस्से आगे, फिर लेकिन थर्ड में क्या होगा, छोटे छोटे हिस्सों की से भी छोटा होकर एक एक लाइन आपको जाहिर होगी। ठीक है, कैसे जाहिर होगी, किसकी जाहिर होगी, देखते हैं हम इनकी एक्सप्लेनेशन में या इनकी डेफिनेशन में। तो पहले हमने क्या करना है, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा की टाइप्स हमने देखी जो क्या आ रही थी, इमिशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है वो कौन सी होती है, ये मैं रेज करने जा रहा हूं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें, कहते हैं जो अगर आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो रेडिएशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर सो क्लोज टू ईच अदर। कहते हैं अ रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन विच कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, चलिए ये भी मैं रेज कर ही देता हूं ताकि दोबारा से टाइप्स को आपको नाम क्या पता चल गया। अब डेफिनेशन मैं वन बाय वन लिखता हूं, समझ आ जाएगी आपको उसकी भी। कहते हैं अ रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन विच a radiation spectrum in which the frequencies of the in which the frequencies of the radiation emitted by the atoms of the radiations emitted by the atom emitted by the radiations emitted by the atoms of a substance are so close of a substance are so close to each other. Are so close to each other that they give continuous wave row of overlapping that they give continuous row of overlapping images. ठीक है, ये कहलाती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इज कॉल्ड
कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसका कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारे पास आ गई थी डेफिनेशन या उसका जो इंट्रो था कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम का। कहते हैं अ रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द एटम, के आपके पास जो रेडिएशन होती है एटम ने जो इमिट की होती है, ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, वो आर सो क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, यानी कि कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। अब ओवरलैप करने का मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, यानी कि सीक्वेंस वाइज या कंटिन्यूस आपके पास जो एक स्पेक्ट्रम आता है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस रो आती है आपके पास ओवरलैपिंग इमेजेस की, उसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या चीज है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अगर इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आम लैंग्वेज में भी देना चाहूँ हमारी रोजमर्रा लाइफ में भी देना चाहूं कि कंटीन्यूअस ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, कि एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी हो सकता है, ठीक है, एक वेवलेंथ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह की वेवलेंथ हो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको भी हम बोलते हैं। तो ये तो बेटा जो हमारे पास रेनबो, ठीक है, जिसको हम उर्दू में धनक कहते हैं, कि जब बारिश होती है हमारी ज़मीन पर तो बारिश के कुछ कतरे जो होते हैं जब उनके ऊपर सूरज की रेज आकर पड़ती हैं तो उधर से आपने देखा है कि आपके पास एक रेनबो नमूदार होती है। तो ये जो रेनबो होती है उसको भी हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, क्योंकि रेनबो में अगर आप देखते हैं तो 7 कलर्स की वो रेनबो होती है, यानी कि अब उसके विब गायर जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह की जो कलर्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, हर कलर की अपनी अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो फिर क्या होता है कि एक वेवलेंथ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह कंटिन्यूअस वेवलेंथ उसके अंदर आती जाती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब जो बुक पर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल, कहते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, किसी एग्जांपल्स है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स हैं, समझ आ गई। ये थी हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल देखिए, हमने कहा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता था कि हमने एक होल लिया, होल के अंदर कैविटी के जरिए उसके अंदर हमने रेज को फॉल करवाया, फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो ब्लैक बॉडी हीटअप होने की वजह से रोशनी या जो रेज होती है उनको इमिट करने की बजाय अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। वो जो अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होती है वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, के ब्लैक बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल थी, ये भी एग्जाम्पल थी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट अपनी अगली टाइप्स की तरफ देखें तो अगली टाइप्स में हमें कहते हैं वो क्या हमने पढ़ी थी, अगली टाइप हमारे पास आ रही थी बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट। तो बैंड स्पेक्ट्रम जैसे कि मैंने नाम से ही बताया था कि बैंड आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे हिस्से। अब जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में लगातार, जैसे रेनबो की मिसाल दी कि 7 कलर होते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे बैंड की तो बैंड में एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा बल्कि छोटे छोटे या थोड़े थोड़े फासले पर जाकर क्या होंगे, कुछ हिस्से होंगे, ठीक है, बैंड को आप हिस्सा भी कह सकते हैं। अब बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है स्टूडेंट, बैंड स्पेक्ट्रम की जब हम बात करें, कहते हैं स्पेक्ट्रम दैट अपीयर एज अ नंबर ऑफ बैंड्स, अ स्पेक्ट्रम, अ स्पेक्ट्रम दैट इज अपीयर एज अ नंबर ऑफ, अ स्पेक्ट्रम दैट अपीयर एज अ नंबर ऑफ बैंड्स, नंबर ऑफ बैंड्स of emitted or of emitted or absorption, emitted or absorbed radiations is called band spectrum, ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रम जब रेडिएशंस इमिट हों या अब्जॉर्ब हों, ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर रेडिएशंस इमिट हों या अब्जॉर्ब हों, तो ये जो आपके पास बैंड है वो नंबर्स की फॉर्म में आए, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो ये मेरे पास एक पीस था, इसमें ये छोटे छोटे हिस्से को हिस्सों के तौर पर आपके पास कोई चीज़ आ रही है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पैचेज आ रहे हैं, छोटे छोटे बैंड्स आ रहे हैं, ये कलर्स के बैंड है। जैसे पहले को मैं कह लूँ ब्लू,
दूसरे को मैं कह लूँ ग्रीन, तीसरे को मैं कह लूँ रेड, इस तरह आगे मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब छोटे छोटे बैंड हिस्सों के तौर पर आपके पास जो कलर्स आ रहे हों उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब हम कंटिन्यूस की बात करते थे तो कंटिन्यूस के बाद क्या होता था, सपोज इतना आपके पास क्या था ब्लू, ये स्पेस खाली रह गई, फिर इतना आपके पास क्या आ गया ग्रीन, फिर स्पेस खाली, छोटे छोटे बैंड की शक्ल में। जो लेकिन जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस की मिसाल लें तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपके पास ये देखें ये रेड, ये पहला ब्लू आ गया, फिर साथ ही ये ग्रीन आ गया, साथ ही रेड आ गया, साथ ही येलो आ गया, मतलब कंटिन्यूस एक के बाद दूसरा मुसलसल आता जाता है। लेकिन जब हम बैंड्स की बात करते हैं तो बैंड्स में क्या होता है, एक कलर आ गया फिर जगह छोड़ गई, छूट गई, स्पेस आ गई, फिर कुछ स्पेस के बाद जाकर एक और बैंड, एक और कलर आ गया, ठीक है, फिर कुछ स्पेस आ गई, फिर स्पेस के बाद अगले थोड़े से पोर्शन पर एक और कलर नमूदार हो गया। तो इस फॉर्म में जो आपके पास स्पेक्ट्रम आता है उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी जो मिसाल लेते हैं क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो होता है आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम, कि मॉलिक्यूल्स की वजह से जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम। थर्ड वन या थर्ड टाइप की तरफ देखते हैं जो कि हमारे पास था लाइन स्पेक्ट्रम। तो बैंड, वैसे पहले हमने बताया पढ़ा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या था कि सारे का सारा जो आपके पास पोर्शन था वो तरतीब के साथ था, कंटिन्यूस का वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। इसी तरह जब बैंड की बात की तो बैंड में उन्होंने बताया हमें कि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे हिस्सों की शक्ल में हमारे पास आता है। मिसाल मैंने आपको कलर्स की फॉर्म में दे दी। फिर जो थर्ड वन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अब ये ना तो कंटिन्यूस है, तरतीब के साथ जाएगा ज़्यादा, ना तो छोटे छोटे हिस्से होंगे, बल्कि बिल्कुल छोटी सी एक लाइन, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन की तरह आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। बाय बुक डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, ठीक है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर क्या होती है, डिस्क्रीट लाइंस होती है करस्पॉन्डिंग टू सिंगल वेवलेंथ, कोरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल वेवलेंथ ऑफ एमिटेड आर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड आर अब्सॉर्ब रेडिएशंस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। कि ऐसा स्पेक्ट्रम, कैसा स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, ठीक है, कैसी लाइंस, एक ही वेवलेंथ की, ठीक है, जो कि रेडिएशन आपके पास एमिट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है उनकी जो वेवलेंथ है वो एक ही होती है, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ उनके पास होती है। ऐसी स्पेक्ट्रम को, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे पढ़े, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, छोटी छोटी लाइंस होती है कोरिस्पॉन्डिंग टू सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की, ऑफ एमिटेड आर अब्सॉर्ब रेडिएशन, के जो रेडिएशन आपके पास एमिट होती हैं या अब्सॉर्ब होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हम इसकी मिसाल देखें, एग्जांपल देखना चाहे तो एग्जांपल में बताते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर का भी नाम है, वो क्या कहलाता है, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एग्जाम्पल इसकी देखिए तो क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो सारा के सारा किसका प्रोसेस है, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारे अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर जो हमने ज़्यादातर डिस्कशन करनी है वो किसके मुतल करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, चूँकि एग्जाम्पल जो हमारा
एग्जाम्पल आ रही है इस लाइन स्पेक्ट्रम की, वो हमारा चैप्टर का नाम बनता है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि हमने इसके मतलब लाइन स्पेक्ट्रम के मतलब ज़्यादा डिस्कशन करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन, या जो फिजिक्स की ब्रांच कौन सी कहलाती है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एमिशन, जो एमिशन होती हैं ठीक है रेडिएशन की, या अब्जॉर्प्शन होती है, कंटिन्यूस था पहली, दूसरी नंबर पर बैंड था, तीसरे नंबर पर लाइन था। इन तीनों के मतलब हमने इसकी इंट्रोडक्शन भी इनका पढ़ा, इनकी एग्जाम्पल्स भी देखी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।